Hello everyone, welcome to Bilaspur IAS Academy, and in this lecture we will continue with the lectures on philosophy. So till now we have talked about the syllabus of philosophy, then we move towards understanding what this philosophy is. Philosophy hota kya hai? And philosophy is something which you say as the inquiry or the investigation of particular things. किसी भी चीज़ की आप investigation कर रहे हैं, inquiry कर रहे हैं, वो अपने आप में क्या है? Philosophy. ठीक है? We also talked about some of the subject matters of philosophy in terms of the nature and scopes of philosophy, that which all areas where we will apply our philosophy in the last lecture. ठीक है? And today we'll talk about the other important topic, which is the relationship of philosophy with religion as well as culture. ठीक है? So now in today topics we'll talk about the relation of philosophy, relationship of this subject called philosophy with two important aspect. One is religion, so religion, and the second one जो दूसरा हम पढ़ेंगे that is culture. ठीक है? So ये दोनों से साथ हम देखेंगे कि कैसा relation है हमारे philosophy का, religion and culture. ठीक है? So इस lecture में हमारे देखिए तीन term है. First is philosophy, philosophy, the second term is religion, and third term is culture. अब इन तीनों terms को हमको समझना है. One by one हम चलेंगे, philosophy के relation को समझेंगे with religion. ठीक है? And then we'll move towards understanding the relationship between philosophy and culture. But before starting the relationship, पहले हमें क्या हो चाहिए कि we should understand the meaning of these three terms. हम लोगों को क्या करना है, इन तीनों शब्दों की मीनिंग को समझना है. जो तीन वर्ड हैं आपके इंपॉर्टेंट, कल्चर, फिलोसफी एंड रिलीजन. फिलोसफी ऑलरेडी हम लोगों ने देखा है कि क्या होता है, इट इज अ इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी अबाउट द सॉल्यूशंस और द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू लाइफ एंड यूनिवर्स. और वी कैन ऑल्सो से दैट फिलोसफी इज अ कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन एंड इंक्वायरी फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग टू वेरी एंड ऑफ लाइफ एंड यूनिवर्स. तो फिलॉसफी हमने जनरली समझा है क्या चीजें हैं. ठीक है? सो इट इज मोर ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन प्लस इंक्वायरी, यही था, अबाउट लाइफ, अबाउट यूनिवर्स, अबाउट एवरीथिंग. और फिलॉसफी की जब हम स्टडी कर रहे थे, वंस वी आर स्टडिंग द फिलॉसफी इन टर्म्स ऑफ इट्स इन्वेस्टिगेशन एंड इंक्वायरी, सो अवर दिस द अप्रोच, किस तरह से हमको इन्वेस्टिगेशन करना है, कैसा हमको इंक्वायरी करना है, अवर अप्रोच इज वेरी रैशनल. तो हमारा अप्रोच कैसा था, यहाँ पर वी आर मूविंग विद द रैशनल अप्रोच, वी आर मूविंग विद द इवेल्युएटिव अप्रोच. ठीक है? सो इवेल्युएटिव, वी आर गोइंग फॉर एग्जामिन द थिंग्स, इवेल्युएटिव. ठीक है? सो अवर अप्रोच इज रैशनल, अवर अप्रोच इज इवेल्युएटिव, अवर अप्रोच इज एग्जामिन. We are examining the themes and examining from the scientific point of view, scientific perception or the scientific reality, scientific. ठीक है? ये तो था क्या हमारा philosophy, जो भी तक हमने पढ़ा है. Now if you look into the religion, अगर हम religion की बात करें, ठीक है, so what this religion is, सबसे important चीज़ तो है कि आपको इस religion को समझना चाहिए कि religion क्या है और होता क्या है. ठीक है? बहुत लोग धर्म के नाम पे तांडव मचा रखे हैं, धर्म के नाम पे क्या कर रहे हैं, उपद्रव मचा रखे हैं, बट क्या है ये रिलीजन, इसको भी समझना इंपॉर्टेंट है. और फिलॉसफी का हमने एक चीज़ देखा था इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट, द अल्टीमेट एम ऑफ फिलॉसफी, जो अंतिम एम है हमारे फिलॉसफी का, वो क्या था, द एम ऑफ फिलॉसफी इज टू गेट लिबरेशन, लिबरेशन दैट इज मोक्ष प्राप्ति करना है. ठीक है? ये तो जर्नल था. इन वेस्टर्न कॉन्टेक्स्ट इट इज टू सेटिस्फाई द पर्सन अर्जिस फॉर नॉलेज, इंसान का जो अर्ज है, कितना वो जानना चाहता है नॉलेज को, उसको सेटिस्फाई करना ही क्या है फिलोसफी. ठीक है? सो इट इज अ मोर ऑफ रैशनल थिंकिंग और इवेल्युएटिव स्टडीज फिलोसफी. बट ऑन द अदर हैंड इफ यू टॉक अबाउट द रिलीजन, तो पहली बात तो ये धर्म क्या है और ये होता कैसा है. सो अगर हम लोग रिलीजन की बात करें, इफ यू टॉक अबाउट दिस वर्ड कॉल्ड रिलीजन, इट ओरिजिनेट फ्रॉम द टू वर्ड्स, दैट इज री प्लस लिगेर, री लिगेर. री मीन्स होता है बैक, री मीन्स होता है बैक,
एंड दिस लिगेयर मीन्स यूनाइट, यूनाइट, सो यूनाइट बैक. और इन सिंपल टर्म्स वी कैन से रिलीजन मीन इज टू यूनाइट. धर्म का मतलब क्या होता है? टू यूनाइट. ठीक है, देखो मतलब क्या है, रिलीजन मीन्स इज टू यूनाइट. और इंडिया में क्या चल रहा है? रिलीजन मीन इज टू डिवाइड. ठीक है, जो अगर प्रेजेंटली देखेंगे तो क्या चल रहा है, रिलीजन की बेसिस में डिविजन चल रही है. बट रिलीजन का मतलब ये क्या है? लोगों को जोड़ना. ठीक है, तो उसको किस तरह से समझते हैं वो देखते हैं. बट आप अगर जनरल देखेंगे तो उसका मतलब ही कुछ अलग निकाल लिया है लोगों ने. सो रिलीजन मीन इज टू यूनाइट. अच्छा, सो अगर हम रिलीजन को देखो, एक चीज़ होता है कि रिलीजन को समझाएंगे तो क्या बताएंगे, हिंदू रिलीजन है, मुस्लिम रिलीजन, मैं वो बात नहीं कर रहा हूँ. रिलीजन क्या है मैं आपको ये बता रहा हूँ, धर्म क्या होता है और आपका रिलीजन क्या है. सो रिलीजन इज कमिंग फ्रॉम द टू वर्ड्स रिलीगेयर, दैट इज टू यूनाइट. अब किसको यूनाइट करना है, हुम टू यूनाइट एंड हाउ टू यूनाइट एंड वाई टू यूनाइट. किसको यूनाइट करना है, क्यों यूनाइट करना है और कैसे यूनाइट करना है, इस पे आपका क्या होता है, डिफरेंट वेरिएशन है. ठीक है, उसको समझते हैं. सो टू यूनाइट, पहली बात किसकी यूनिटी की बात हो रही है, पर्सन, एक इंसान को दूसरे इंसान से मिलाने की बात, पर्सन टू पर्सन, यूनिटी बिटवीन द पर्सन टू पर्सन. क्लियर है, पर्सन टू पर्सन यू कैन यूनाइट, अदर वे अराउंड यू विल यूनाइट एक ही इंसान का. देखो एक इंसान को दूसरे इंसान से मिलाना, दिस इज वन यूनिफिकेशन. सेकेंड इज एक ही इंसान है, आई एम हियर, सो मेरे एक्सटर्नल एस्पेक्ट को मेरे इंटरनल एस्पेक्ट से मिलाना, आपके एक्सटर्नल एस्पेक्ट को आपके इंटरनल एस्पेक्ट से मिलाना. ठीक है, आप जो बाहर जो कर रहे हैं दैट इज कर्म, अंदर जो करते हैं क्रिया, तो आपके क्रिया और कर्म दोनों को आपस में मिलाना, दैट इज यूनाइटिंग द इंटरनल एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन विद द एक्सटर्नल एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन. ठीक है, सो एक पर्टिकुलर पर्सन का इंटरनल इंटरनल एंड एक्सटर्नल एस्पेक्ट को यूनाइट करना. अभी समझाएंगे आपको कैसे होता है. सो यूनाइटिंग द इंटरनल एंड एक्सटर्नल एस्पेक्ट, ये हो सकता है. तो एक पर्सन को दूसरे पर्सन से, उस पर्सन को उसके अंदर से. और थर्ड इज, थर्ड पार्ट ऑफ रिलीजन वुड बी द, और द थर्ड एस्पेक्ट ऑफ रिलीजन इज टू यूनाइट अ फाइनाइट विद इन्फाइनाइट. ठीक है, अनंत को, जो अनंत है उसको एक फाइनाइट चीज से, जिसका कुछ ना कुछ अंत है, उससे मिलाना. सो अनंत को अंत को अनंत से मिलाना, दैट इज यूनिफिकेशन बिटवीन फाइनाइट एंड इन्फाइनाइट. क्लियर है, यूनिफाई द फाइनाइट एंड इन्फाइनाइट. ये तीन एस्पेक्ट हैं हमारे किसी भी रिलीजन के. अब पर्सन टू पर्सन यूनिफिकेशन कैसे होगा, हाउ वी कैन यूनाइट अ पर्सन, एक इंसान को दूसरे इंसान से. हाउ विल यू यूनाइट अ वन पर्सन विद द अदर पर्सन, कैसे मिला सकते हो. प्लीज सोचिए आप कि एक पर्सन को दूसरे तरीके से, दूसरे से कैसे मिलाएंगे. डेफिनेटली देयर वुड बी सम सेट ऑफ रूल्स, वैल्यूज, देयर शुड बी सम गुड डीड्स, कुछ अच्छा काम होगा, उस काम से एक इंसान दूसरे इंसान से मिल सकता है. यूनिटी मीन्स कि हाँ वो साथ में ही उस चीज़ों को कर रहे हैं, थ्रू सम वैल्यूज, थ्रू सम बिलीफ सिस्टम. ठीक है, सो यू कैन यूनाइट अ पर्सन टू पर्सन थ्रू गुड डीड्स, अच्छे कर्मों से गुड डीड्स. यू कैन यूनाइट अ पर्सन थ्रू वैल्यूज, थ्रू सर्टन इंपॉर्टेंट बिलीफ सिस्टम और द रूल्स, रूल्स और बिलीफ. ठीक है, बिलीव्स, दिस इज एफ. ठीक है, सो बिलीव, सो ये क्या है, पर्सन टू पर्सन की यूनिटी कैसे एश्योर होगी. नंबर टू, अगर हम इंटरनल एंड एक्सटर्नल एस्पेक्ट की बात करें, दैट इज एक्सटर्नल एस्पेक्ट अगर हम देखते हैं तो जो नॉर्मली हम कंडक्ट कर रहे हैं वो, और इंटरनल एस्पेक्ट सपोज करो सोल, आत्मन और आत्मा, तो इंसान की आत्मा को उसे इंसान को मिलवाना, हाउ कैन यू कनेक्ट विथ योर सोल. अब बोल रहे हैं हमारे अंदर सोल है पर आप उससे कनेक्ट नहीं कर पाते, इसी को तो खोज रहे ना, इसी को तो मेडिटेशन करके खोज रहे कि सोल क्या है, और वहीं से सारा का सारा चीज़ चालू हो जाते हैं. सो इंटरनल एंड एक्सटर्नल एस्पेक्ट ऑफ अ पर्सन, इसको मिलाना है. ठीक है, सो दिस कैन बी मेंटेन, दिस एक्सटर्नल एंड द इंटरनल एस्पेक्ट ऑफ पर्सन कैन ओनली बी अचीव, उसमें सिर्फ सोल नहीं है और भी सारी चीज़ें, सब कॉन्शियस माइंड और द कॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस माइंड को अटेंड करना और द मेडिटेटिव माइंड को करना, कॉन्शियस माइंड. ठीक है, आपका क्या हो रहा है, जब कहीं भी हो
एंड आपका कॉन्शियस माइंड से आप क्या कर रहे हैं उस चीज़ों को आगे लेकर चल, कभी भी उसमें आपका गलत डिसीजन नहीं हो रहा है। सो डेफिनेटली यू आर अटेंडिंग द कॉन्शियस माइंड और यू आर गेटिंग द निर्वाण एनलाइटनमेंट, तो वो सारी चीज़ों को कैसे अटेंड करेंगे। सो इंटरनल एंड एक्सटर्नल एस्पेक्ट को बाइंड कराना, टू यूनाइट बोथ द एस्पेक्ट, ये भी किसका काम है? रिलीजन का है, ठीक है। और ये कैसे होगा? थ्रू स्पिरिचुअलिटी, थ्रू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेडिटेशन, थ्रू योग आसन, थ्रू डिफरेंट टाइप्स ऑफ कर्म एंड क्रिया, जो भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उससे आप इसको यूनाइट कर सकते हैं। एंड द थर्ड एस्पेक्ट इज टू यूनाइट द फाइनाइट टू इनफाइनाइट, और फाइनाइट कौन है? फाइनाइट इज ह्यूमन लाइफ, सो मैन, कनेक्टिंग द मैन विद गॉड, इनफाइनाइट इज गॉड, भगवान, क्लियर है? सो तीन एस्पेक्ट हो सकते हैं किस रिलीजन के, एंड ये वाला जो है सबसे डोमिनेटेड है, सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग है, तो वो क्या ही है, ठीक है। और रिलीजन में सबसे ज्यादा डोमिनेट किसके एस्पेक्ट होते हैं? भगवान की, भगवान है, और उसके बाद रिलीजन की बात चालू होती है, धर्म की बात चालू होती है किसी भी रिलीजन की, भगवान है, अगर गॉड नहीं है तो कोई भी रिलीजन की बात स्टार्ट नहीं होती। ये कॉमन परसेप्शन है, ठीक है। एक कॉमन परसेप्शन क्या है कि गॉड नहीं है तो कोई रिलीजन ही नहीं है, बट देखो रिलीजन इज टू यूनाइट। अब यूनिफिकेशन पर्सन टू पर्सन हो सकता है, इंटरनल टू एक्सटर्नल कर सकते हैं, फाइनाइट टू इनफाइनाइट। इसीलिए कुछ ऐसे भी रिलीजन है जिसमें गॉड नहीं है, देयर आर सम रिलीजन वेयर दे डू नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, बट अल्टीमेटली उनको भी हम क्या बोलते हैं? रिलीजन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी हैव बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। पर्सन्स आर सेइंग कि बुद्ध इज गॉड, बट बुद्ध इटसेल्फ सेज कि आई एम नॉट अ गॉड, आई एम जस्ट अ गाइड, मैं आपको रास्ता दिखाने वाला हूँ, आई एम योर द टॉर्च बियर और द पाथ, जो आपको क्या करेगा, डिफाइन करके देगा, बट आई एम नॉट द गॉड, ठीक है। दे टॉक्ड अबाउट द अनिश्वरवाद कॉन्सेप्ट ऑफ रिलीजन और द फिलोसफी, अनिश्वरवाद, भगवान नहीं है, ठीक है। सो इंटरनल एक्सटर्नल एस्पेक्ट्स पे भी कुछ रिलीजन डेवलप हुए हैं, वो रिलीजन है बट दे डू नॉट बिलीव इन गॉड। सो रिलीजन इज पॉसिबल विदाउट द गॉड ऑल्सो, एंड रिलीजन इज पॉसिबल विद द गॉड, देयर आर टू एस्पेक्ट ऑफ रिलीजन, ठीक है। बट जब इस बिलीफ सिस्टम की बात करते हैं, जब हम रिलीजन, देखो फिलोसफी इज द रैशनल इंक्वायरी, वो एक अलग चीज़ है, पर जब रिलीजन में हम बात करते हैं तो ये दो तरीके से आपका, ये तीन तरीके से हम रिलीजन को देख सकते हैं, पर मेजॉरिटी ऑफ द रिलीजन इस स्फीयर में आते हैं और इस चीज़ को डोमिनेट करते हैं। और ये जब रिलीजन की हम बात करते हैं तो इसमें सबसे पहले अगर टॉक होगी, अगर कोई बात को करना है, अगर हम रिलीजन में किसी भी बात को करते हैं क्योंकि ये सबसे ज़्यादा डोमिनेट करता है, तो हम क्या करते हैं, अवर आर्ग्यूमेंट और द डिबेट स्टार्ट विद द गॉड। रिलीजन में जब कोई बात करेंगे तो क्या होगा, एक आर्ग्यूमेंट होगा गॉड से, एंड दे बिलीव कि हाँ गॉड है। पहला चीज़ क्या होगा कि गॉड है, ये एक्सेप्ट किया जाएगा, उनका अजम्पशन है, उनकी बिलीव होती है, दे फेथ, उनका फेथ है कि हाँ गॉड है। अब आओ उसके बाद आर्ग्यूमेंट करेंगे, देयर आर्ग्यूमेंट स्टार्टेड विद द क्वेश्चनिंग, नॉट क्वेश्चनिंग द गॉड, बट दे बिलीव देयर एग्जिस्ट अ गॉड, और उसके बाद उसके ऊपर क्वेश्चन होता है, उस मतलब जो चीज़ें गॉड ने कहा है उसके ऊपर क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है, कि हाँ गॉड है, अब गॉड तक कैसे पहुंचना ये धर्म बताएगा, ठीक है। बट हियर द वेरी आइडिया ऑफ गॉड इज क्वेश्चन, कि भगवान है या नहीं, तो फिलोसफी में हम दोनों चीज को क्वेश्चन करते हैं। सम फिलोसफर्स दे एक्सेप्ट देयर इज अ गॉड एंड देन दे गिव द थ्योरी, बट अदर विल से कि नो, देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, और उस पर भी थ्योरी जाएगी। सो फिलोसफी एक्सप्रेस बोथ द व्यूज ऑफ गॉड एंड नॉन गॉड। So there are the religion without the God. So Buddhism is more of a philosophy, less of a religion. बुद्धिम को तो तब religion हुआ ना जब बुद्ध को भगवान बोल दिया गया कुछ लोग महायान में, ठीक है। अदर वे ऑन बुद्धा इट सेल्फ इन द हीनियन सेड आई एम द गाइड एंड नॉट द गॉड, ठीक है। तो ये आपके क्या होते हैं, तीन एस्पेक्ट्स हो सकते हैं रिलीजन के। सो पर्सन टू पर्सन यूनाइट थ्रू द गुड डीड्स, वैल्यूज, बिलीफ, रूल्स, ठीक है। और यहाँ पर भी क्या है, कुछ ऐसे रूल्स हैं, बिलीफ है, जो इसको करते रहो और उससे आपका क्या होगा, लोग एक दूसरे से यूनाइट होंगे। यहाँ पर रिलीजन का कॉन्सेप्ट है, जैसे कि आपके वेद, वेद वेदों में अब किसी भगवान को इस तरह से मेंशन नहीं कर रहे हैं, ठीक है। कुछ यज्ञ के लिए हमने स्पेशली मेंशन कर दिया, गायत्री मंत्र दे दिए, बट थ्रू द सम रिचुअल्स एंड मंत्रास वी आर कनेक्टिंग द पीपल एंड नॉट एक्सेप्टिंग द एनी गॉड, कि यहाँ पर कोई भगवान है उस तरह से हम नहीं जा रहे थे, ठीक है। जस्ट टू सिग्निफाई कि हाँ नेचर कंट्रोल्स अस, तो नेचर को हमने क्या किया, डिफरेंट गॉड्स के नाम दे दिए, ठीक है, इंद्र, वरुण एंड ऑल, दीज आर द एस्पेक्ट्स ऑफ नेचर, बट प्रॉपर भगवान नहीं बोल रहे हैं, क्लियर है। तो इस चीज़ों को पहले ध्यान रखना कि ये तीन तरह से आपका क्या हो सकता है, आप रिलीजन को देख सकते हैं। एंड रिलीजन बाद में जो मोस्टली देखो, रिलीजन वैल्यूज आर मोर टुवर्ड्स, रिलीजन में आपका तो पहली बात क्या है कि इट इज़ बेस्ड ऑन फेथ, मानते हो तो ठीक है, नहीं मानते तो कोई बात नहीं। सो इट इज़ बेस्ड ऑन फेथ एंड बिलीव, रिलीजन इज मोस्टली
बेस्ड ऑन फेथ एंड बिलीफ ऑन गॉड एंड देन वी स्टार्टेड आर्ग्यूइंग या कोई भी रूल्स एंड रिचुअल्स बनता है. तो हाँ, ये बिलीफ सिस्टम पे डिपेंड करता है और फेथ सिस्टम पे. बट इट इज मोर टुवर्ड्स नॉट द फेथ एंड बिलीफ बट टुवर्ड्स द लॉजिक एंड थिंकिंग. सो इट इज मोर ऑफ अ रैशनल अप्रोच. ये उतना रैशनल नहीं है. एक फेथ और बिलीफ से ये स्टार्ट होता है, बट ये क्या होता है, क्वेश्चन से स्टार्ट होता है. क्लियर है? जस्ट समझना है अभी आपको, ठीक है? सो फेथ एंड बिलीफ सिस्टम पे आपका क्या डिफाइन होता है, कोई भी रिलीजन डिफाइन होता है. क्लियर है? दूसरी बात, फिलॉसफी में हम क्या करते हैं, वी जस्ट स्टार्ट समथिंग, किसी चीज को लेते हैं और उसके बारे में हम क्वेश्चन करते हैं, लॉजिक लगाते हैं और उसके बाद उस चीजों को एक्सप्लेन करते हैं. बट इन रिलीजन, मोस्ट ऑफ द रिलीजन आर बेस्ड ऑन द प्री डिफाइंड और द प्री सेड वर्ड्स, ठीक है? एंड दोज आर पार्ट ऑफ द थियोलॉजी. जैसे कि वो वर्ड्स कहाँ लिखे हुए हैं, इन सम ऑफ द रिलीजियस टेक्स्ट. तो ये कंप्लीट बिलीफ सिस्टम और ये पूरा का पूरा रिलीजन जो चीजें हैं, ये किस पे है, इट इज कोडिफाइड इन सम ऑफ द टेक्स्ट. किसी टेक्स्ट में ये लिखा हुआ है. फॉर एग्जाम्पल, वी हैव बाइबल, वी हैव गीता, वी हैव कुरान, देन इन द लेटर पार्ट्स वी हैव कुरान. तो ये सारे चीज़ों में क्या हुआ है, ये कोडिफाइड है और इसके हिसाब से ही रिलीजन डिफाइंड है. सो रिलीजन इज बिट ऑफ डिफाइंड एस्पेक्ट जो कि है और उसके अंदर ही चल रहा है. बट फिलॉसफी इज बेस्ड ऑन द थिंकिंग. तो उसका तो कोई क्या नहीं है, फाइनाइट स्टडी ही नहीं हो. जितना आप बात करो, एवरीथिंग यू स्टडी, कुछ भी चीज आप पढ़ते हो, वंस यू अप्लाइड द रैशनल थिंकिंग, वंस यू अप्लाई द एवेल्युएटिव स्टडी, दैट मीन्स यू आर कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं, यू आर टुवर्ड्स द फिलॉसफी ऑफ दैट थिंग. समझ रहे? जैसे सोसाइटी फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम क्या बताइए कि अब देखो, रिलीजन वो क्या होगा, एक सेट ऑफ बिलीव्स, प्रिंसिपल्स और सेट ऑफ रूल्स पे डिफाइंड है और उसके अंदर तक ही वो सीमित है. बट जब हम बोलेंगे फिलॉसफी ऑफ रिलीजन, रिलीजियस फिलॉसफी, ये जो टेक्स्ट में लिखा हुआ है, रिलीजियस फिलॉसफी दैट इज कोडिफाइड इन द टेक्स्ट और द बिलीफ सिस्टम और द फेथ सिस्टम दैट द रिलीजन कम्स विद. बट वंस यू टॉक अबाउट द फिलॉसफी ऑफ रिलीजन, जैसे हम फिलॉसफी को रिलीजन में इंट्रोड्यूस करेंगे, तो हम क्या बात करेंगे, अब ये चीजों की इंक्वायरी होगी. ये जो इनकी सिस्टम्स हैं, ये जो बुक्स में लिखे हैं, जो इनकी बिलीफ सिस्टम है, अब उन चीज़ों के हम ऊपर लॉजिकली थिंकिंग करेंगे, अप्लाई करेंगे एंड विल सी कि हाँ सच में ऐसा है या नहीं. एंड देन वी विल से कि हाँ फिलॉसफी और रिलीजन को किस तरह से, ठीक है? पहले एकदम जनरल बेसिक टर्म्स में समझिए, फिर चलेंगे आगे पढ़ने. नाउ द थर्ड एस्पेक्ट, कल्चर. कई बार मैंने पूछा है कल्चर क्या है, तो जब जनरल हम सब्जेक्ट हिस्ट्री वगैरह पढ़ते हैं, सो कल्चर के अंदर हम रिलीजन को प्लेस करते हैं, ठीक है? बट अभी आज हम बात करते हैं कल्चर के ऊपर. व्हाट इज दिस कल्चर? आप में से कई लोगों को ये कल्चर आपने पढ़ा होगा, संस्कृति. क्या बोलते हैं हिंदी में, कल्चर मीन्स संस्कृति. अब संस्कृति क्या है, इसको डिफाइन नहीं कर पाएंगे, कई लोग नहीं कर पाएंगे, कुछ लोग कर जाएंगे. सो कल्चर इज मोर टुवर्ड द ह्यूमन एक्टिविटीज ऑफ अ पर्टिकुलर ग्रुप और द सोशल ग्रुप, ठीक है? सो ये क्या हुआ आपका, ह्यूमन लोगों की एक्टिविटी बेस्ड ऑन सर्टन रूल्स, स्टैंडर्ड्स, नॉर्म्स, आपने कुछ भी बना रखा है, इस पे बेस्ड ह्यूमन एक्टिविटी ऑफ अ सोशल ग्रुप कॉन्स्टिट्यूट्स अ कल्चर. तो कल्चर कहां से आता है, कि ह्यूमन एक्टिविटी पे बेस्ड कोई भी आपके क्या है, रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, जिस पे आपका ह्यूमन एक्टिविटी बेस्ड है, उस एक्टिविटी किसके अंदर, किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप में, वो क्या बनाएगी, एक कल्चर बनाएगी. तो हर ग्रुप का अपना एक कल्चर होगा और वही कल्चर जब क्या होगा, सारे के सारे ग्रुप्स के कल्चर में भी कुछ कॉमनलिटीज होती हैं, ठीक है? तो डिफरेंट जगह पर डिफरेंट कल्चर है. इंडियन कल्चर इज डिफरेंट फ्रॉम द वेस्टर्न कल्चर. तो वहाँ पर जो वेस्टर्न ग्रुप्स हैं, वहाँ के जो लोग हैं, उनका एक कल्चर है, एक हमारा कल्चर है. अब इंडिया में भी हम देखेंगे दो तरह से कल्चर को, साउथ इंडियन कल्चर, नॉर्थ इंडियन कल्चर, ईस्ट इंडियन कल्चर, वेस्ट इंडियन कल्चर. तो वहाँ पर जो ग्रुप है वो कैसे है, उनकी फूड हैबिट्स क्या है, उनके लिटरेचर्स क्या है, उनके चीज़ें. तो इट इज़ जस्ट अ ह्यूमन एक्टिविटी विच इज़ बेस्ड ऑन सर्टन नॉर्म्स, रूल्स, कंडीशंस, एप्लीकेशंस. वहाँ पर कैसे कंडीशंस हैं, उसके ऊपर जो बेस्ड वहाँ की एक्टिविटी है, ह्यूमन एक्टिविटी, उस चीज़ों को कर रहे हैं जो कि एक सोशल ग्रुप के अंदर आइडेंटिफाई किया जाएगा, उसको बोलते हैं कल्चर. सो रिलीजन इज अ पार्ट ऑफ कल्चर. क्लियर है? तो देखो, पहले तो तीनों को समझना इंपॉर्टेंट था, कि व्हाट इज फिलॉसफी, व्हाट इज रिलीजन एंड व्हाट इज कल्चर. आई होप ये चीजें आपको समझ आई होंगी. जैसे कि मान लो एक जगह है, ठीक है, ये कोई एक प्लेस है, दिस प्लेस इज सपोज वी बिलीव ये प्लेस है आपका राजस्थान, एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है? अब राजस्थान में लोग, यहाँ पर इसमें क्या हो रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं,
नंबर ऑफ पीपल्स लिव हियर, बहुत सारे लोग यहाँ रहते हैं, ठीक है, इस पूरे जगह पे। सो मान लेते हैं 100 पीपल्स, क्लियर है। अब इसमें से कुछ लोग डांस करते होंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ डांसेस, कुछ लोग म्यूजिक बजाते होंगे, ठीक है, कुछ लोग फूड को, कुजीन को मेंटेन करते होंगे, कुछ लोग रिलीजियस वर्क करते होंगे। तो हम इन ग्रुप्स के अंदर जो भी एक्टिविटीज हो रही है, दिस डिफाइन द कल्चर ऑफ राजस्थान एंड दिस थिंग, चाहे वो डांस कर रहे हैं, म्यूजिक कर रहे हैं, फूड कर रहे हैं, तो वहां की डांस का भी एक क्या होगा, रूल होगा, उसी तरह से वो डांस करते हैं हमेशा। उनके भी एक क्या होंगे, ड्रेसिंग होंगे, उस ड्रेस को ही पहन के करेंगे, दैट इज द रूल फॉर दैट पर्टिकुलर डांस। उनके म्यूजिक का एक पर्टिकुलर क्या होगा, टोन होगा, जिसके हिसाब से वो म्यूजिक बना होगा। उनका फूड का एक टेस्ट अलग होगा, ज़्यादा मिर्च डालते हैं, देगी मिर्च, लाल मिर्च, और फिर उसके बाद देगी मिर्च लाल मिर्च के साथ मुखवास भी खिलाते हैं, ठीक है, अचार भी बना कर देते हैं कि जो इतना मिर्च खाया है वो सारा ड्रेन आउट भी प्रॉपर होना चाहिए, क्लियर है। एंड देन देर शुड बी देयर ओन रिलीजियस बिलीफ, उनके धर्म का भी अपना एक बिलीफ, ठीक है। तो ये चीज जो है ये उनके कल्चर को डिफाइन करता है, समझ आ रहा है कल्चर कैसे बनता है, क्लियर है। तो उस जगह का ये कल्चर होगा। फिर हम बोलेंगे इंडियन कल्चर, तो इंडियन कल्चर में इंक्लूड करेंगे कि राज, देखो इंडियन कल्चर ये है कि इतने सारे कल्चर को मिलाकर भारत में अपना कल्चर दिखता है, जिसको बोलते हैं इंडियन कल्चर। कि हाँ, राजस्थानी कल्चर, इंडियन वेस्टर्न कल्चर, साउथ इंडियन कल्चर, सबको मिलाकर एक कल्चर बनेगा जिसको बोलेंगे इंडियन कल्चर, समझ आ रहा है। सो दीज आर द डिफरेंट एस्पेक्ट्स, ये तीन वर्ड्स क्या हैं। देखो आपका सिलेबस में जब पढ़ते हो तो पहले वर्ड्स के मीनिंग को अच्छे से समझा करो। सो आई होप आज के बाद आपको समझ आएगा कि फिलॉसफी क्या है, रिलीजन क्या है, और आपका कल्चर क्या है, ठीक है। नाउ फ्रॉम द आइडिया ऑफ दिस थ्री, रिलीजन, फिलॉसफी एंड कल्चर, नाउ विल मूव टुवर्ड्स द डिराइविंग रिलेशनशिप बिटवीन द रिलीजन एंड फिलॉसफी, एंड देन विल डिराइव अ रिलेशनशिप बिटवीन फिलॉसफी एंड कल्चर, ठीक है। ये हमारा टॉपिक है, हमको ये डिराइव नहीं करना है कि रिलीजन और कल्चर में क्या रिलेशन है, ठीक है, वो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। सो वी आर नॉट टुवर्ड्स दैट एस्पेक्ट ऑफ रिलीजन, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट विल स्टार्ट विद फिलॉसफी एंड रिलीजन, इनका क्या रिलेशन है। सो विल स्टार्ट विद द रिलेशन बिटवीन फिलॉसफी एंड रिलीजन, लेट मी रब द बोर्ड, देन विल स्टार्ट। सो रिलेशन को समझेंगे, ठीक है। पिछले क्लास में जो क्वेश्चंस दिए हैं, ट्राई टू राइट आंसर्स फॉर दोज क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर्स, उसका क्वेश्चन के आंसर लिखकर सबमिट करिए, तब जाकर आपको समझ आएगा, या लिखकर तो एटलीस्ट अपने पास रखें, ठीक है। विथ टाइम आपको ये सारी चीज़ें अच्छी आ जाएंगी, समझ आएंगी, ठीक है। इफ आई विल से, अब ये बात करेंगे हम यहाँ पर दो एस्पेक्ट्स को समझेंगे, रिलीजन और फिलॉसफी को जब समझेंगे, ठीक है, कि रिलीजन एंड फिलॉसफी में क्या रिलेशन है। सो फिलॉसफी इज नॉट रिलेटेड टू रिलीजन, और द फिलॉसफी ऑफ रिलीजन इज नॉट सेम एज द रिलीजन, और दूसरा हम बोल सकते हैं इट इज नीदर सेपरेटेड एंड नॉर एक्सेप्टेड एज अ रिलीजन। दोनों एक्सपर्ट को समझेंगे, अभी समझाता हूँ आपको क्या है सारा चीज, ठीक। अच्छा, रिलेशनशिप बिटवीन, दिस आर मीन्स रिलेशनशिप बिटवीन रिलीजन एंड फिलॉसफी, ठीक है। अब इन दोनों को ही देखेंगे तो सबसे पहली बात कि अच्छा, रिलीजन जब आप बोलते हो, धर्म बोलते हो, या आप क्या बोलते हो, दर्शन बोलते हो, फिलॉसफी, तो इसमें आप रिलीजन किस चीज के बारे में बात करते हो। अगर मैं आपको बोलूं, आप आइए मेरे पास, जस्ट स्टैंड इन फ्रंट ऑफ मी, और रिलीजन के बारे में कुछ बोलो, तो आप क्या बोलोगे, व्हाट यू विल से अबाउट द रिलीजन। आप ये बोल दोगे क्या, इतने सारे रिलीजन हैं, वो ये हैं, वो हैं, बट आप बताओगे ना भगवानों के बारे में, यू विल टॉक अबाउट द गॉड, यू विल टॉक अबाउट द लाइफ एंड यूनिवर्स। सो देखो, कहीं ना कहीं इनका सब्जेक्ट मैटर जो है, द सब्जेक्ट मैटर ऑफ, सब्जेक्ट मैटर ऑफ रिलीजन एंड फिलॉसफी, सब्जेक्ट मैटर किस सब्जेक्ट के ऊपर बात करते हैं। रिलीजन ऑल्सो टॉक अबाउट लाइफ, जीवन के बारे में बात करता है, ठीक है। आपको रिलीजन के सारे प्रैक्टिस और जितने भी आप रिचुअल परफॉर्म कर रहे हो, प्रेयर परफॉर्म कर रहे हो, किस लिए, लाइफ के लिए ही कर रहे हो ना, क्लियर है। तो सब्जेक्ट मैटर इसका क्या है, लाइफ एंड यूनिवर्स, एंड गॉड, विदाउट गॉड भी हो सकता है रिलीजन, अभी मैंने समझाया था, ठीक है। इसलिए मैंने गॉड के साथ ही बात करेंगे, रिलीजन से और यूनिवर्स से भी। फिलॉसफी का भी सब्जेक्ट मैटर क्या है, लाइफ एंड यूनिवर्स ही है,
The subject matter of philosophy is also our life and universe. Even the critical examination of God भी है. Even the critical examination of God भी है. तभी मतलब हर एक philosophy पे नहीं, but अगर philosophy in terms of religion देखेंगे तो there is a critical examination of God. But if you talk about the social philosophy, we are not considering the God. If you talk about the political philosophy, then we will examine or we will logically think about the political value systems. जैसे कि liberty क्या होता है, secularism का concept क्या है, उनको हम critically analyze करेंगे in terms of philosophy. तो अगर हम religion पे देखेंगे तो we are talking about the God. But philosophy में अगर इस religion की ही बात करें, so we will again critically examine the God. तो कहीं ना कहीं subject matter has some commonalities. दोनों के subject matter में क्या है, there is some commonalities. ठीक है, सो ये उनके सब्जेक्ट मैटर में कुछ कॉमनलिटीज़ हैं. नंबर टू, सब्जेक्ट मैटर के बाद अगर देखेंगे इनके अप्रोच को देखते हैं, द अप्रोच ऑफ स्टडी. अप्रोच कि हम रिलीजन में किस तरह से पढ़ते हैं और फिलॉसफी का अप्रोच क्या है, इसे लाइफ और यूनिवर्स या गॉड के बारे में इनके अप्रोच क्या है. सो रिलीजियस अप्रोच इज मेनली बेस्ड ऑन, रिलीजन का जो अप्रोच है इट इज बेस्ड ऑन फेथ एंड बिलीव. Faith and belief, ठीक है. So religion is mostly based on faith and belief on God. भगवान को वो मानते हैं और उसके बाद वहां पर उनकी बात चालू होती है. तो इनकी अप्रोच ऑफ स्टडी क्या है कि हाँ भगवान है और अब चलो हम बताते हैं आपको भगवान तक कैसे पहुंचना और भगवान आपको कैसे आपके लाइफ की सफरिंग और आप जो भी चीजें उसको खत्म करने में हेल्प करेगा. अल्टीमेटली both ऑफ देम एम टुवर्ड द सेसेशन ऑफ सफरिंग, बट दोनों का एम का क्या है, अल्टीमेट गोल जो है वो डिफरेंट है. दोनों को क्या करना है, सफरिंग लोगों की समस्याओं को दूर करना है, बट दोनों का एम अलग है. रिलीजन एंड में ले जाकर कहाँ पहुँचाता है, रिलीजन अंत में आपको बोलता है आपको स्वर्ग की प्राप्ति करनी है, यू हैव टू रीच द स्वर्ग. बट ऑन द अदर हैंड फिलोसफी टॉक्स अबाउट द मोक्ष, यू हैव टू बी लिबरेटेड टू अल्टीमेटली मर्ज विद द गॉड यू आर द पार्ट ऑफ. पर रिलीजन में आपका क्या है, आपको स्वर्ग में पहुँचना है, ठीक है. सो एम में थोड़ा सा अलग हो सकते हैं, बट हाँ अप्रोच अगर देखेंगे सो इट्स अप्रोच इज मोस्टली बेस्ड ऑन फेथ एंड बिलीव कि भगवान है, देन उसके बाद हम बात करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है. बट ऑन द बेसिस ऑन द अदर साइड इफ यू टॉक अबाउट द फिलॉसफी, सो फिलॉसफी का अप्रोच क्या होता है, इट्स अप्रोच इज मेनली बेस्ड ऑन इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन. अप्रोच इज बेस्ड ऑन इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन. Approach is based on inquiry and investigation, and that should be your rational, logical, evaluative and critical. ठीक है, critical examination होगा. तो ये क्या है आपका, the approach of study of both are different. Subject matter दो remain the same in many parts, but their approach are different. Religion का अगर देखेंगे subject matter, so it is just restricted to this much, इतने में ही है. But if philosophy का subject matter देखेंगे तो इससे क्या होगा, ज़्यादा broader है, ठीक है. The subject matter of religion is finite, उसका एक finite है कि एक particular limit है, वहीं तक आप क्या करते हैं religion apply होता है. But अगर philosophy को देखेंगे so इसका subject matter is infinite, मतलब philosophy is applicable in the many domain. इवन उस डोमेन में भी फिलॉसफी अप्लाई होगा जो क्या होगा, जो रिलीजन को मानता ही नहीं होगा. बट रिलीजन का डोमेन एक रिलीजन तक ही फिक्स है और द मैनी रिलीजन्स तक फिक्स है, ठीक है. तो इसका डोमेन बहुत ज्यादा बड़ा है. द डोमेन ऑफ स्टडी ऑफ फिलॉसफी इज ब्रॉडर देन द डोमेन ऑफ स्टडी ऑफ रिलीजन. सो एरिया और एप्लीकेशन, ठीक है. सो यहां पर इसको अगर देखेंगे तो एरिया क्या है इसका, स्मॉलर है और फाइनाइट है, ठीक है. ये क्या है, ब्रॉडर है, ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में है और इनफाइनाइट है. समझ आ रहा है, दोनों में हम समझ रहे हैं कि कैसा रिलेशन है. और रिलेशन को हम पहले समझ रहे हैं कि रिलेशन से पहले हम थोड़े सा दोनों के बीच के डिफरेंसेस को समझने की कोशिश कर रहे हैं. अब रिलेशन से पहले थोड़ा सा डिफरेंस समझ रहे हैं, बट हाँ कहीं ना कहीं किस तरह से इंक्वायरी होगी. अब देखो इंक्वायरी कैसे हो रही है, ये तीनों चीज़ में हमने क्या देखा, कहीं ना कहीं एक चीज़ के डिफरेंस को देखा. अब देखो, अब हमको पढ़ना क्या है इनमें, रिलेशन के आपस में पॉजिटिव क्या है. रिलेशन के दो एस्पेक्ट होते हैं ना, एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव होता है, ठीक है.
तो नेगेटिव यानी कि जो डिफरेंसेस है रिलेशन में क्या अलग अलग है, तो वो तो कुछ इस तरह से। अब कॉमनलिटीज की ओर बढ़ते हैं कि कैसे ये दोनों आपस में एक दूसरे को हेल्प करते हैं या रिलेशन क्या है, उसके बाद हम निकालेंगे। तो अगर हम बात करेंगे ये जो सब्जेक्ट मैटर है और ये सब्जेक्ट मैटर है, ठीक है। अब देखो फिलॉसफी के पास तो और भी सब्जेक्ट्स हैं, फिलॉसफी तो और भी चीज़ों में हम क्रिटिकली थिंकिंग और लॉजिक को अप्लाई कर सकते हैं, बट रिलीजन बेस्ड जब फिलॉसफी को हम लाते हैं तो हम किस मैटर बात करते हैं, इन चीज़ों पे, गॉड पे। तो कहीं ना कहीं रिलीजन प्रोवाइड कंटेंट टू फिलॉसफी, कंटेंट। तो रिलीजन में क्या होता है, रिलीजन के अपने कुछ टेक्स्ट हैं, बुक्स हैं, रिलीजन के अपने क्या है, सेट ऑफ बिलीव्स हैं, ठीक है। तो रिलीजन के कुछ क्या है, सेट ऑफ बिलीव्स, रूल्स, रिचुअल्स, प्रेयर्स, ये सारे चीज किसके हैं, रिलीजन के अपने खुद के हैं। और फिलॉसफी को यही चीज कंटेंट के रूप में मिला, दिस बिकम द कंटेंट फॉर फिलॉसफी टू लॉजिकली थिंक एंड इंक्वायरी, लॉजिकली इंक्वायरी और थिंकिंग के लिए, ठीक है। सो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है आपका, रिलीजन ब्रॉडन द एस्पेक्ट्स ऑफ फिलॉसफी, नंबर वन। कि रिलीजन क्या करता है, फिलॉसफी को ग्रो करने में हेल्प करता है, उसके स्कोप को ब्रॉड करता है, क्लियर है। पहले तो ये समझ आया क्या डिफरेंसेस है। अब पहला जो इनके रिलेशन की बात करेंगे, सो आई विल जस्ट राइट द रिलेशंस, यहां पे लिखते हैं, लेट मी रब इट देन आई विल राइट द रिलेशंस, ओके। सो लेट मी रब इट देन आई विल राइट द रिलेशंस, ठीक है। होप यहां तक आप लोगों ने लिख लिया होगा और समझ भी अच्छे से आया होगा आपको, ठीक है। चलिए नाउ अब हम लोग इस एस्पेक्ट को लाते हैं यहां, ठीक है। तो पहला मैंने क्या बोला, रिलेशनशिप्स में जो पॉजिटिव एंड पे हम देख रहे हैं दोनों को, तो फर्स्ट इज रिलीजन गेव कंटेंट टू फिलॉसफी, कंटेंट टू फिलॉसफी अबाउट थिंकिंग एंड रैशनली इंक्वायरी, दैट इज रिलीजन ब्रॉडन द स्केप ऑफ फिलॉसफी, ब्रॉडन द स्कोप और एरिया ऑफ फिलॉसफी। इसका सब्जेक्ट मैटर में और भी सब्जेक्ट्स जुड़ गए, और भी स्टडी और इंक्वायरी की चीज हमको कौन प्रोवाइड करता है, रिलीजन। रिलीजन अगर बोलता ही नहीं गॉड है तो फिर जो स्वयं उसके बारे में हम इंक्वायरी ही नहीं करते, ठीक है। तो कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, उसके एरिया को, उसके स्कोप को ब्रॉडन करता है। नंबर टू, अगर हम दोनों के दोनों को देखें, चाहे रिलीजन हो चाहे फिलॉसफी हो, दे आर बेस्ड ऑन सम नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड्स, ठीक है। फिलॉसफी के अपने भी खुद स्टैंडर्ड्स हैं, उसके स्टैंडर्ड और नॉर्म्स क्या है, उसके रूल्स क्या है, दैट द इंक्वायरी शुड बी द लॉजिकल एंड थिंकिंग बेस्ड, और इट शुड बी अ क्रिटिकल इंक्वायरी, इलॉजिकल इंक्वायरी नहीं करेंगे। बट रिलीजन की भी अपने खुद के एक सेट्स ऑफ रूल्स हैं, नॉर्म्स हैं, स्टैंडर्ड्स हैं, जिस पे वो बेस्ड है, उसके बियॉन्ड रिलीजन नहीं जाना चाहता, उसके बैकग्राउंड अगर कोई कहेगा तो उसको क्या बोलेंगे, इररिलीजियस है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं क्या है, बोथ ऑफ देम आर नॉर्मेटिव इन स्टडीज, एंड बोथ ऑफ देम आर नॉर्मेटिव, बोथ ऑफ देम आर नॉर्मेटिव, दोनों के दोनों क्या है, नॉर्मेटिव है, दैट इज, ठीक है, दैट इज बोथ ऑफ देम हैव देयर ओन सेट्स ऑफ रूल्स, स्टैंडर्ड, नॉर्म्स, वैल्यूज एक्सेट्रा। सो दोनों के अपने क्या है, खुद के स्टैंडर्ड्स हैं, both of them have their own sets of standard norms, values, belief to nahi bol sakte, values etc, kyunki philosophy mein belief doesn't work in philosophy, it is the logic that works in philosophy, theek hai. So both of them are normative, that is they originate from some certain norms and rules and they practice those norms and rules, theek hai. Ye dono ko yaad rakhna, what are the positives aspect or how they are related to each other. Number 3, देखो रिलीजन गेव कंटेंट टू फिलॉसफी एंड फिलॉसफी एनरिच दोस कंटेंट एंड प्रोवाइड द इंटेलेक्चुअल एंड द मीनिंगफुल वैल्यूज टू द रिलीजन। रिलीजन ने कंटेंट दिया, उस कंटेंट को फिलॉसफी में इंक्वायरी की गई और उस कंटेंट को इंक्वायरी करके बताया गया कि किस तरह से एग्जिस्ट करता है। सो रिलीजन ने तो खाली एक फेथ और बिलीफ सिस्टम से बोल दिया कि चीजें होती हैं, पर फिलॉसफी ने उस चीज को एक्सप्लेन कर दिया है। सो फिलॉसफी एक्सप्लेन द रिलीजन इन द इंटेलेक्चुअल मेथड, सो फिलॉसफी एक्सप्लेन्स द रिलीजन एंड एनरिच इट्स, फिलॉसफी एक्सप्लेन द रिलीजन, फिलॉसफी ने रिलीजन को एक्सप्लेन किया एंड एनरिच इट्स कंटेंट,
एंड मेक इट्स मोर इंटेलिजिबल एंड मीनिंगफुल एंड मेक्स इट मोर इंटेलिजिबल एंड मीनिंगफुल। समझ आ रहा है? एकदम आसानी से समझ आना चाहिए। देखो क्या हुआ, रिलीजन ने उनको कंटेंट दे दिया। अब किसी ने बोला भाई कि ये लो, एक आदमी था यहाँ पर ये धर्म को प्रचार कर रहा था, ही जस्ट गोज फॉर रिलीजन के एक रिप्रेजेंटेटिव है जो धर्म का प्रचार कर रहा है, जिसने बोला कि ये लो ये आलू को क्यों दियो हमको। बोले कि नहीं, ये आलू भगवान है, दिस आलू इज गॉड। क्यों गॉड है आलू? क्योंकि आलू खाओगे तभी जियोगे, तो कहीं ना कहीं आलू आपको लाइफ देता है। उसे कुछ बोल के निकल गया, एक आदमी को दे दिया। अब वो आदमी इस पर बोल रहा है कि आलू को ये भगवान बोल रहा है, डेफिनेटली इस आलू को हम पूजा पाठ तो नहीं करेंगे। अब इस आलू को इस आदमी ने भगवान बोल दिया। देखो डिफरेंस दिखाते हैं, दिस इज अ रिलीजियस पर्सन, ही सेड दिस आलू दिस पोटैटो इज अ गॉड, और उसको रख दिया। और एक आदमी यहाँ खड़ा है, ठीक है, देखो चोटी भी बना दिया मैंने, ठीक है, क्योंकि मोस्टली ज़्यादा धर्म शास्त्र वाले लोग ऐसे रहते हैं, ठीक है, लिटिया के साथ, ठीक है, ऐसा एक कॉमन है, बाकी कुछ भी रख सकते हैं। सो दिस इज अ फिलोसोफर, ठीक है। सो इस पर्सन ने क्या किया, इस आलू को रख दिया इस फिलोसोफर के सामने और बोला कि ये भगवान है, इट इज दिस इज अ गॉड। फिलोसोफर ने बोला कि ठीक है, दे दीजिए मुझे आलू और जाइए। फिलोसोफर ने वो नहीं बोला कि क्यों है क्या है, नहीं दे दो। एंड देन दिस फिलोसोफर वेंट फॉर इंक्वायरी, फिर ये सोचेगा लॉजिकली, रैशनल बेस्ड यहाँ पर थिंकिंग अप्लाई करेगा कि क्या ये आलू सच में भगवान है। और यहाँ पर कुछ भक्त लोग हैं, रिलीजियस भक्त, ठीक है, बीजेपी वाले नहीं, अभी तो आ जाएंगे, ठीक है। सो रिलीजियस जो प्रैक्टिस करते हैं, और भी लोग जो रिलीजन को ब्लाइंडली मानते हैं, सो दिस पर्सन हैव बिलीव ऑन रिलीजन। ये लोग कौन है जिनको रिलीजन पे बिलीफ है, ठीक है, इन लोग रिलीजन को मानते हैं। आलू दिखा, ये आदमी बोला आलू में भगवान है, ये बिल्कुल नतमस्तक हो गए, ये देखो ऐसे लेट लेट के जा रहे हैं आलू तक कि ये आलू इनकी ज़िंदगी को ठीक कर देगा, समझ रहे, पूरा एकदम लेट जा रहे हैं, और ये आलू आया क्यों आया, आलू इसमें भगवान है, कौन बताया था, वो आदमी बताया था, सोचना ही नहीं है। बिकॉज दिस कंप्लीट सिस्टम इज बेस्ड ऑन फेथ एंड बिलीव, भगवान बोला तो मानने का, अगर नहीं मानने का तो फिर तुम क्या हो, तुम धार्मिक नहीं हो, उधर क्वेश्चन नहीं करना, भगवान बताया किसी ने तो आलू पूजा करना चालू करो। दिस इज रिलीजन। तो रिलीजन ने उनको क्या दिया, सब्जेक्ट मैटर दे दिया। अब इन लोग तो रिलीजन के पीछे लगे हुए हैं, तो ये तो पूजा पाठ जो भी है ये करते रहेंगे आलू का, पर दिस मैन वेंट फॉर इंक्वायरिंग अबाउट दिस आलू, इस आलू के बारे में जाना, सब कुछ किया, लॉजिक लगाया, थिंकिंग लगाया, देन फाइनली ही गेव हिज कंक्लूजन, और वो एक इंटेलेक्चुअल एक्सप्लेनेशन दिया कि आलू भगवान क्यों नहीं है और ये आलू भगवान क्यों है। सो फिलोसफी एक्सप्लेन द रिलीजन एंड एनरिच इट्स कंटेंट, उसके बारे में समझाएगा सब कुछ, एंड मेक्स इट मोर इंटेलिजिबल एंड मीनिंगफुल। अगर इसने आलू को भगवान प्रूफ कर दिया तो फिर तो आप मानोगे कि उसको क्वेश्चन का आंसर है, पर यहाँ पर कोई आंसर नहीं, यहाँ पर तो कुछ लेट लेट के जा रहे हैं, पर यहाँ पर जब वो मीनिंग दे देगा तो उसको सुनेंगे नहीं कोई, समझे। सो इट इज फिलोसफी एक्सप्लेन्स द रिलीजन एंड एनरिच इट्स कंटेंट एंड मेक इट मोर इंटेलिजिबल एंड मीनिंगफुल। इसका मतलब रिलीजन गेव कंटेंट टू फिलोसफी, रिलीजन ने कंटेंट दिया है किसको, फिलोसफी को, और उसी फिलोसफी को इसने बढ़ा दिया। तो कंटेंट देने से कारण क्या हुआ, जो आपका फिलोसफी हुआ ज़्यादा ब्रॉडन हो गया, उसके पास और सब्जेक्ट मैटर्स आ गए, दे वेरी इन देयर अप्रोच, बट आपका कहीं ना कहीं क्या हुआ, सब्जेक्ट मैटर को हेल्प किया। फोर्थ पॉइंट अगर देखेंगे, बोथ रिलीजन और योर फिलोसफी, दोनों के दोनों, ठीक है, बोथ रिलीजन एंड फिलोसफी एम्स टू इन दोनों का एम क्या है, भले कि वो अलग है कि वहां पर आपको क्या है मोक्ष प्राप्त करना है, वहां पर स्वर्ग जाना है, बट स्वर्ग की प्राप्ति हो या मोक्ष की प्राप्ति हो, दोनों में आपका क्या है, ह्यूमन कंडक्ट को कहीं ना कहीं एक सही वे में लेकर जाने की बात करते हैं। सेकेंडरी ये दोनों के दोनों, चाहे वो रिलीजन हो, सो बोथ रिलीजन एंड फिलोसफी एम्स टू गिव द पॉजिटिव और द गुड कंडक्ट, एम्स टू गिव
द पॉजिटिव और द गुड डीड्स, वैल्यू सिस्टम और ठीक है। सो ये दोनों के दोनों ही क्या कोशिश कर रहे हैं, एम्स टू गिव द गुड डीड्स एंड द वैल्यू सिस्टम। रिलीजन भी आपको ये नहीं बोल रहा है कि आप क्या करो धर्म के नाम पर लड़ाई करो, रिलीजन खुद भी बोल रहा है कि नहीं आपको क्या करना चाहिए, सब एक जैसे हैं, आपको अच्छे कर्म करने चाहिए, आपको अच्छा काम करना चाहिए। और फिलॉसफी में भी उस चीज़ को इंक्वायरी करके बोल रहे हैं कि हाँ इसको किस तरह से लेकर जाना है। तो डेफिनेटली बोथ रिलीजन एंड फिलॉसफी मेक्स अ ह्यूमन मोर वैल्यू और द मोरल बेस्ड ह्यूमन। एक किसी भी इंसान को क्या करता है, एक बहुत अच्छा मोरल वैल्यूज़ के साथ और उसको एक सोशल वैल्यूज़ देते हैं, कौन से, आपके रिलीजन एंड फिलॉसफी। ठीक है, सो प्लीज़ ध्यान रखेंगे इसको। ठीक है, देन बोथ, देखो आपको चाहे वो रिलीजन हो चाहे वो आपका फिलॉसफी हो, दोनों का इम्पैक्ट क्या है ह्यूमन बींग्स पे, इट मेक्स द मैन मोर ऑप्टिमिस्ट। ठीक है, इट मेक्स द मैन मोर ऑप्टिमिस्ट। ऑप्टिमिस्टिक, ठीक है, टू सी द पॉजिटिव थिंग, पॉजिटिव एरियाज। ठीक है, अपने लाइफ की सफरिंग से दूर जाकर पॉजिटिव चीजों को देखने की बात करते हैं, चाहे रिलीजन हो चाहे आपका फिलॉसफी हो। क्लियर है? अब अगर हम फिलॉसफी और रिलीजन में देखेंगे, सो फिलॉसफी इज मोर अबाउट इंक्वायरी अबाउट द बिगिनिंग एंड एंड ऑफ लाइफ, बट रिलीजन गिव द आंसर टू बोथ द बिगिनिंग ऑफ लाइफ एंड एंड ऑफ लाइफ, दो इट इज बेस्ड ऑन द फेथ एंड बिलीफ सिस्टम एंड नॉट ऑन द रैशनल थिंकिंग। तो रिलीजन क्या बोल रहा है, रिलीजन बोल रहा है कि भाई जो भी चीज़ें हैं, वॉट एवर थिंग्स वी हैव, जो भी चीज़ों का बर्थ हुआ, जैसे आपका बर्थ हुआ तो बर्थ क्या हुआ है, किस तरह से हुआ है, भगवान ने सृष्टि की रचना की और ये एक दिन खत्म हो जाएगा, रिलीजन। फिलॉसफी में वी आर इंक्वायरिंग कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ, बट ऑन रिलीजन वी आर सेइंग गिविंग द आंसर्स। सो कहीं ना कहीं रिलीजन कैन सपोर्ट द फिलॉसफी by giving the answers to the unquestioned or the unanswered question. So religion provide answers to those philosophical questions which are unanswered by the normal logic or the rational thinking of philosophy. उसको आप क्या कर सकते हैं, religion provide करा सकते हैं। ठीक है, तो both helps each other to grow. ठीक है, तो दोनों एक दूसरे को help करते हैं आगे बढ़ने। So this is the a relation, a general types of relationship between the philosophy and religion. But then you will say that these are the relations and but the difference is in the subject matter of the both. There is a difference in on the terms of the broadness, on the scopes and the types of study and the approach that are applicable in both the domain. Religion mein hum kis tarah se study karte hain aur philosophy mein kis tarah se study karte hain. ठीक है, सो दिस इज अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन रिलीजन एंड फिलोसफी। एक जनरल एस्पेक्ट में अच्छा समझ आया होगा आप लोगों को। ठीक है, ओके, चलिए आगे चलते हैं। एंड नाउ विल टॉक अबाउट द सेकेंड एस्पेक्ट विच इज फिलोसफी एंड द कल्चर, उसका क्या रिलेशन है। फॉर CGPSC आपका देखो इतना काफी कंटेंट मैंने आपको समझा दिया है, इस कंटेंट से आप इजिली फिलोसफी के ये वाले पार्ट्स के आंसर्स अच्छे से लिख पाएंगे। ठीक है, नाउ देर इज नो नीड टू हॉन्ट, डरने की जरूरत, डोंट नीड टू स्केयर्ड कि भैया फिलॉसफी है और फिलॉसफी को इंग्लिश में तो नहीं हिंदी में ही पढ़ लेते हैं क्योंकि बुक्स और मटेरियल नहीं है। बहुत प्यारा और बहुत आसान सब्जेक्ट है, जस्ट स्टडी द वे आई एम टीचिंग यू, उसके बाद कोई आपको लैंग्वेज बैरियर नहीं रह जाएगा फिलॉसफी के लिए, और कंटेंट का तो आप बिल्कुल परेशानी मत हो। ठीक है, जितना आपके इस पर रिक्वायर्ड है वी हैव डिस्कस्ड। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ से ध्यान रखना कि फिलॉसफी इज नॉट सेम एज द रिलीजन, बट फिलॉसफी इज नीदर सेपरेटेड नॉर इंडिपेंडेंट ऑफ रिलीजन। ठीक है, कि फिलॉसफी रिलीजन के समान नहीं है, बट क्या होता है ये उससे अलग भी नहीं है। ठीक है, सो कहीं ना कहीं वहाँ से थिंकिंग स्टार्ट हुई थी और वहीं से अब क्या होती है, आज भी थिंकिंग चलती है। ठीक है, तो ऑल द ऋषि मुनीज देखते हैं तो बोलते हैं कि उसको धर्म से जोड़ देते हैं, बट वो धर्म नहीं, वो क्या है, आपके फिलॉसफर्स होते थे। And those philosophers wrote the text called Bhagavad Gita. Those philosophers wrote the different text. ठीक है, वचन किसके हैं क्या है वो बात नहीं है, आपका लिखा किसने उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए नाउ आई विल टॉक अबाउट द फिलॉसफी एंड कल्चर। ये काफी अच्छा डिबेट था, द डिबेट ऑफ फिलॉसफी एंड कल्चर।
philosophy enriched the culture or it was culture that enriched the philosophy. बहुत प्यारा डिबेट था कि whether the philosophy comes from the culture or the culture comes from the philosophy. ठीक है, अब ये एक डिबेट उठा और इस डिबेट के आंसर्स को अगर आप समझेंगे देन यू विल डेफिनेटली अंडरस्टैंड कि इन दोनों में रिलेशन क्या है. ठीक है, ऐसा आप बोल ही नहीं सकते कि कल्चर कैन बी कंप्लीटेड विदाउट फिलॉसफी और फिलॉसफी कैन बी कंप्लीटेड विदाउट कल्चर, बट बोथ आर कंप्लीटेड व्हेन दे आर लुक्ड अपॉन टुगेदर. कैसे, क्या होता है, देखो कल्चर, अगर हम कल्चर से स्टार्ट करते हैं तो हमारा कल्चर दीज आर बेस्ड ऑन सम सर्टन सोशल नॉर्म्स एंड रूल्स. कल्चर इज बेस्ड ऑन सम सर्टन सोशल नॉर्म्स एंड रूल्स. ठीक है, अपने सोसाइटी के एक रूल्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं और उसी से हमारा क्या बनता है, कल्चर्स बनते हैं. एंड अ पर्सन थ्रू दिस सेट्स ऑफ रूल्स एंड नॉर्म्स ओनली डेवलप द पर्सनैलिटी और लर्न द न्यू थिंग्स. तो इन्हीं सेट्स और नॉर्म्स और रूल्स से ही लोग अपने क्या बनाते हैं, पर्सनैलिटी. ठीक है, सो दे डेवलप देयर पर्सनैलिटी फ्रॉम दिस सर्टन सोशल नॉर्म्स एंड रूल्स विच दे लर्न इन फैमिली, द सोशल इंस्टीट्यूशंस विच दे लर्न इन इंस्टीट्यूशंस और द स्कूल्स कॉलेजेस, कहीं पर भी पढ़ेंगे, विच दे लर्न बाय मीटिंग विद द पर्सन्स, बाय ट्रैवलिंग एंड अदर ग्रुप्स. ठीक है, तो यहाँ से उनकी क्या डेवलप होती है, पर्सनैलिटी डेवलप होती है. अल्टीमेटली बिकॉज ऑफ दिस कल्चर सोशल नॉर्म्स एंड थिंकिंग्स इनके जो पर्सनैलिटी आई है एंड दे स्टार्टेड क्वेश्चनिंग द थिंग्स. तभी तो उनके अंदर एक क्वेश्चन है कि चीज़ों के हम क्यों इसको जी रहे हैं और क्या ये सही है गलत है, अदर वे अराउंड उनके अंदर आते ही नहीं. और जब ये क्वेश्चनिंग अराइज हुआ सो दिस क्वेश्चनिंग बिकम द थिंकिंग, और इसको जब रैशनल वे में किया गया सो इट बिकम फिलॉसफी. क्लियर है, तो देखो सो कल्चर कैन बी सेड एज फर्स्ट ऑर्डर इंक्वायरी, फर्स्ट ऑर्डर इंक्वायरी, फर्स्ट ऑर्डर इंक्वायरी. फिर जब रैशनल थिंकिंग की गई तो प्रॉपरली इसी सोशल नॉर्म्स और रूल्स को भी की गई. जब क्वेश्चन आया इंसान के दिमाग में सो ही स्टार्टेड क्वेश्चनिंग, सो इज क्वेश्चनिंग अबाउट द लाइफ बट ऑल्सो अबाउट दिस इंस्टीट्यूशन, दिस नॉर्म्स एंड रूल्स, उसके बारे में भी क्वेश्चन करने लगा. और बाद में जब इसके ऊपर क्वेश्चन किया तो यहां पर जो भी प्रॉब्लम्स थी उसके बारे में भी उसने बताया और उसके सॉल्यूशंस को भी बताया. सो फिलॉसफी अल्टीमेटली क्रिएट्स द कल्चर एंड कल्चर अल्टीमेटली गिव बर्थ टू द फिलॉसफी. दोनों चीजें, आपका कल्चर जितना एनरिच होता है इट इज बिकॉज ऑफ फिलॉसफी, और इट इज बिकॉज ऑफ कल्चर ओनली दैट इनिशियली फिलॉसफी वॉज बॉर्न. तो आप दोनों तरीके से देख सकते हैं. ठीक है, तो हम ये नहीं बोल सकते कि इससे ये बना है या इससे ये बना, बट हम बोल सकते हैं दोनों एक दूसरे से ही बनते हैं. बोथ आर डेवलप्ड फ्रॉम ईच अदर एंड नॉट सेपरेटेड, ये ऐसा ही हुआ तो ये आया और ऐसा ही होता. ठीक है, तो कहीं पर इनका बिगिनिंग और एंड नहीं हो सकते, बट बोथ आर इंटर रिलेटेड. क्लियर है, हाउ दे आर इंटर रिलेटेड उसको समझना इंपॉर्टेंट है. How they are interrelated. ठीक है, देखो पहली बात, I'll talk about how philosophy enrich the culture. Enrich the culture. Philosophy हमारे culture को किस तरह से enrich करती है. And on the other side we'll talk about how culture supports the philosophy. कल्चर किस तरह से फिलॉसफी को सपोर्ट करती है, यही चीजों को समझेंगे, ये जो बनाया है मैंने. हाउ फिलॉसफी एनरिच द कल्चर एंड हाउ कल्चर सपोर्ट्स द फिलॉसफी, ये दो क्वेश्चन अराइज होता है जब हम लोग इसकी स्टडी करते हैं. सो जब फिलॉसफी किस तरह से कल्चर को एनरिच करता है अगर हम इसकी बात करेंगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल it was philosophy that gave the rational and the logical thinking to the cultural norms, sets, principles and belief.
सो फिलॉसफी गिव्स रैशनैलिटी टू कल्चरल बिलीफ फेथ वैल्यूज. पहली बात दैट इज इट मेक्स कल्चर मोर मीनिंगफुल. नंबर टू, इट वॉज फिलॉसफी थ्रू द रैशनल इंक्वायरी ब्रेक्स द कल्चरल प्रेजुडिस. कल्चरल जितने भी प्रेजुडिस हैं, ठीक है. सो थ्रू द फिलोसफिकल इंक्वायरी और द रैशनल थिंकिंग यू कैन ब्रेक द कल्चरल प्रेजुडिस. जैसे कि क्या है, पेट्रियार्की, ठीक है. पेट्रियार्की में आप क्या बोल रहे हैं कि वुमेन इज जस्ट बिलो द मैन, ठीक है. वो क्या है कि आदमी ही सुपीरियर है, वुमेन नहीं है सुपीरियर. देन विल टॉक अबाउट द वुमेन एम्पावरमेंट, कि नहीं उनको भी इक्वल स्टेटस होना चाहिए. दैट द स्टेटस ऑफ मैन इज अबव द वुमेन. पेट्रियार्की, अ काइंड ऑफ पेट्रियार्कल थिंकिंग. सो इस तरह की जो प्रेजुडिस है इसको दूर करता है कौन, आपका फिलॉसफी. सो फिलॉसफी अल्टीमेटली थ्रू द रैशनैलिटी ऑफ फिलॉसफी वी कैन कंट्रोल और गो अवे फ्रॉम द सोशल प्रेजुडिस, द सोशल सिस्टम ऑफ बिलीव्स जो आपके कुछ बने हुए हैं, अनटचेबिलिटी जैसी चीज़ें हैं, उसको आप यहाँ से दूर कर सकते हैं थ्रू द रैशनल अप्रोच, ठीक है. थ्रू रैशनल अप्रोच हम क्या कर सकते हैं, जो भी आपके, मैंने अब सिर्फ प्रेजुडिस लिखा है, आप लिख सकते हैं और भी सोशल एविल्स, सोशल प्रॉब्लम्स, कुछ भी लिख सकते हैं. सोशल प्रॉब्लम्स, सोशल सुपरस्टिशियस बिलीव, ठीक है, कि आप आ जाओ इधर झाड़ू पोछा झाड़ फूक करवा लो, और अच्छे से झाड़ फूक करवा लोगे, उधर मंदिर में जाके बाबा से हाथ दिखा दोगे, तो आपका 100% फिक्स है, कलेक्टर बन जाओगे, डिप्टी कलेक्टर बन जाओगे. सुपरस्टिशन पे भर रहे हैं, सोशल नॉर्म्स है, कल्चर पे बेस्ड है. देन इफ यू गो टू द फिलोसोफर, वो एक तो होगा, वो बता देगा कि आपके आगे जीवन में क्या लिखा है. बट आप फिलोसोफर के पास जाओगे तो दिल से कि इस तरह की चीज़ें मत दिखाओ, जस्ट गो एंड वर्क हार्ड एंड यू विल अचीव डेफिनेटली. अलग अलग थिंकिंग बेस्ड होती है, ठीक है. तो कहीं ना कहीं क्या करता है कि फिलॉसफी से हम किस चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं और किससे दूर जा सकते हैं, सोशल प्रेजुडिस से, सोशल प्रॉब्लम से, सुपरस्टिशियस बिलीफ से, सोशल एविल्स, ठीक है. एंड थ्रू दिस ओनली इट प्रोवाइड मोर वैल्यूज टू द कल्चर. देन फिलॉसफी जो है, ठीक है, उस पर एक्स्ट्रा अगर जो भी हमने यहाँ से सोशल नॉर्म से जो भी हमने बिहेवियर सीखे, सो इट ऑल्सो गिव्स द मोर मीनिंग टू द बिहेवियरल और द बिहेवियर्स और द ह्यूमन कंडक्ट. फिलॉसफी गिव्स मोर एस्पेक्ट्स और द मोर मीनिंग्स टू द बिहेवियर और द कंडक्ट्स ऑफ ह्यूमन विच आर सेट्स बाय द सोशल लॉज एंड प्रिंसिपल्स. जो कल्चर के सेट्स लॉज एंड रूल्स हैं उसमें जो लोगों को कंडक्ट सिखाया गया, जो चीज़ें करने के लिए बोली गई है, उसको और ज़्यादा हम अच्छा कर सकते हैं थ्रू द फिलोसफिकल इंक्वायरी एंड द फिलोसफिकल एप्लीकेशन इन लाइफ, ठीक है. सो जस्ट राइट इट डाउन, उसको लिख लीजिए, ठीक है. देन ऑल्सो क्योंकि फिलोसफी हम क्या कर रहे हैं, क्रिटिकली रीजनिंग एंड थिंकिंग कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ से क्या हो रहा है, आपका एक और एस्पेक्ट जन्म हो रहा है. थ्रू द क्रिटिकल एग्जामिनेशन फिलॉसफी ब्रॉडन अवर इंटेलेक्चुअल होराइजन. फिलॉसफी हमारे इंटेलेक्ट को बढ़ाता है, हमको और ज़्यादा सोचने की छूट देती है, आज़ादी देता है, कौन, फिलॉसफी. पर ये क्या करता है, हमारी इस चीज़ों को कंस्ट्रिक्ट कर देता है, रोक देता है कि नहीं जो बताया जा रहा है उतना ही है, उसको और बड़ा करता है. जैसे कि कल्चरल इंस्टीट्यूशन में रिलीजन भी एक इंस्टीट्यूशन है, तो रिलीजन के मैंने बताया कि रिलीजन हमको कहीं पर कंस्ट्रिक्टेड है, इट इज़ अ फाइनाइट, पर उसको इनफाइनाइट की ओर ले जाता है और ब्रॉडन एस्पेक्ट देता है फिलॉसफी, ठीक है. तो रिलीजन वाला ही एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं. सो इन दिस वे फिलॉसफी एनरिच अवर कल्चर, ठीक है. सो दिस पॉइंट्स यू कैन राइट, जो मैंने अभी प्रेडिक्टेड किया, अब सारे लिखे नहीं, दो तो मैंने ऐसे बताया भी है, ठीक है. सो जस्ट राइट, उस सारी चीज़ों को पॉज कर लेना, वीडियो को फिर से सुन लेना, लिख लिया करो यार, ठीक है. हर चीज़ यहाँ से स्पून फीडिंग नहीं चलेगी,
ठीक है, बिकॉज अल्टीमेटली मुझे भी ऑन टाइम चीज़ों को खत्म करना होता है. सो हाउ फिलोसफी एनरिच द कल्चर, वो इसका एक एग्जाम्पल है. नाउ द अदर थिंग, हाउ कल्चर सपोर्ट्स द फिलोसफी थ्रू कंटेंट. पहली बात तो कंटेंट मिल रहा है, किसके ऊपर बात करना है, बाय इंस्टिगेटिंग द थिंकिंग इन इंडिविजुअल. ठीक है, कहीं ना कहीं इसी चीज से, इसी रूल्स और नॉर्म्स के कारण ही इंसान के अंदर क्या होता है, थिंकिंग का जनरेट होता है, वो सोचने लगता है. बाय गिविंग देम द लिबर्टी टू आस्क द क्वेश्चन, बाय गिविंग देम लिबर्टी टू आस्क द क्वेश्चन, और वहीं से क्या होता है, आपका एक फिलोसफिकल इंक्वायरी स्टार्ट होता है. कल्चर इट्सेल्फ इज अ फर्स्ट ऑर्डर इंक्वायरी. तो कल्चर में ही हम सबसे पहली बार ह्यूमन कोड और कंडक्ट को कोडिफाई करने की कोशिश करते हैं, एंड दैट इंक्वायरी इट्सेल्फ बिकम द फिलॉसफी इन द लेटर पार्ट्स. सो इट ब्रॉडन द होराइजन ऑफ फिलॉसफी एंड इट गेव बर्थ टू द न्यू फिलॉसफीज. ठीक है, सो नंबर ऑफ फिलॉसफीज कमिंग फ्रॉम दिस कल्चर ओनली. अब कल्चर को देखेंगे हम एक बड़े रूप में देख रहे हैं. सो कल्चर आपका क्या बोल रहे हैं, एक ग्रुप्स है, सोशल ग्रुप. ठीक है, सो कल्चर प्रोवाइड अस द वेरियस डायमेंशंस टू द फिलॉसफी. फॉर एग्जांपल, एक सोशल ग्रुप है और इनका यहाँ पर कल्चर है, एंड नाउ दिस सोशल ग्रुप्स, इसमें क्या हो रहा है, काफ़ी काम हो रहा है. जैसे कि आपका क्या हो रहा है, सोशल फिलॉसफी यहाँ से मिलेगा आपको, द फिलॉसफी जहाँ पर हम क्या करेंगे, सोसाइटी के सारे नॉर्म्स एंड रूल्स को पढ़ेंगे. देन दिस कल्चर विज ऑल्सो, दिस कल्चर ओनली गिव्स अस द रिलीजियस फिलॉसफी और द फिलॉसफी ऑफ रिलीजन, रिलीजियस फिलॉसफी, क्योंकि उसी के अंदर वो है. ठीक है, फ्रॉम सोशल ग्रुप यही होंगे, और ये अपने आप को कंट्रोल करने के लिए दे मेड सम इंस्टीट्यूशंस, एक बिलीफ सिस्टम जिसको हम बोलेंगे पॉलिटिकल लेवल्स पे, उन्होंने अपना क्या किया है, पॉलिटिकल रूल्स बनाया, पॉलिटिकल सेटअप्स बनाया है. अब उस सेटअप्स को कैसे चला रहे हैं, उसके लिए भी कुछ उन्होंने क्या दिया होगा, आइडियाज़ दिए होंगे, प्रिंसिपल्स होंगे, और अब उनकी इंक्वायरी भी हम कहाँ करेंगे, इसी पर करेंगे. सो अगेन, फिलॉसफी प्रोवाइड द कंटेंट फ्रॉम पॉलिटिकल फिलॉसफी, कंटेंट टू द पॉलिटिकल फिलॉसफी. तो कल्चर से ही हमारा क्या क्या जनरेट होगा, सोशल फिलॉसफी, वी हैव ओरिजिन ऑफ रिलीजियस फिलॉसफी, वी हैव ओरिजिन ऑफ पॉलिटिकल फिलॉसफी. तो ब्रॉड कर रहा है आपके किसको, फिलॉसफी की स्टडी को, इसके एस्पेक्ट को. ठीक है, और कहीं ना कहीं कल्चर पे ही हम जो सेट्स ऑफ रूल्स एंड नॉर्म्स सेट किए हैं, उससे ही लोगों को इंस्टिगेशन, इंक्वायरी का एक इंक्वायरी करना स्टार्ट हुआ, और उसी इंक्वायरी से आगे फिलॉसफी का डेवलप हुआ. सो कल्चर इट्सेल्फ इज अ फर्स्ट ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर फिलॉसफी. ठीक है, सो दिस इज अबाउट अ स्मॉल टॉपिक, छोटा सा टॉपिक था. आई विल गिव यू द राइटअप्स, ठीक है, और दो चार पॉइंट्स के साथ, तो आप उसको पढ़ लेना. सो मोर और लेस नाउ वी आर डन विद द प्रिंसिपल्स ऑफ फिलॉसफी. जो छोटे छोटे नॉर्म्स थे, जो छोटी छोटी चीज़ें हमको पढ़नी थी, वो हमने कर लिया. नाउ फ्रॉम द टुमारोज लेक्चर्स, द वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर विल स्टार्ट अबाउट द इंडियन फिलॉसफी. सो फ्रॉम टुमारो आई विल स्टार्ट द इंडियन फिलॉसफी एंड वेस्टर्न फिलॉसफी. In first lecture about the Indian philosophy and the Western philosophy, I'll give you the relationship between both the studies, the Western and the Indian. Indian में क्या है, Western में क्या है, कैसा context है, उसको समझेंगे. Then we'll move towards the development of Indian philosophy. कि कैसा उसका development हुआ, किस किस phases में हुआ, और उसमें क्या क्या चीज़ों को हमको समझना चाहिए. And then we'll study each philosophy one by one. Okay? So please, यहाँ तक अभी जो भी मैंने पढ़ाया है, मेक श्योर यू अंडरस्टैंड इन अ प्रॉपर मैनर. और जहाँ भी डाउट हो, कुछ भी हो, पूछिए, एंड जहाँ भी आपको क्वेश्चन होगा, उस क्वेश्चन को आप मुझसे पूछ सकते हैं. ओके, सो जस्ट राइट डाउन क्वेश्चन फॉर टुडे. तो क्वेश्चन लिखेंगे, हाउ रिलीजन एंड कल्चर सपोर्ट्स द फिलोसफिकल स्टडीज. किस तरह से वो फिलोसफिकल स्टडीज को हेल्प करते हैं, रिलीजन एंड कल्चर. नंबर टू, क्वेश्चन नंबर टू, द रिलीजन एंड कल्चर बिकम मोर मीनिंगफुल एंड रैशनल बाय द फिलोसफिकल इंक्वायरीज. By the philosophical inquiries, examine this statement. ठीक है, इसको क्या करना है, इस statement को आप examine करेंगे. Clear है? So these are the two questions. Please try to write answers for this question. And if you have any problem, you can directly connect with me. ठीक है, in my
कॉन्टैक्ट नंबर, आई हैव ऑलरेडी प्रोवाइडेड माई कॉन्टैक्ट नंबर, आई विल जस्ट राइट इट अगेन. सो माई कॉन्टैक्ट नंबर इज 8700879913. ठीक है, सो दिस इज माई कॉन्टैक्ट नंबर. सो यू कैन सेव दिस नंबर एंड यू कैन जस्ट टेक्स्ट मी इन द व्हाट्सअप और यू कैन कॉल मी, कि आप बता सकते हैं इस पर एंड आई विल गिव यू द आंसर्स रिलेटिंग टू योर आंसर, जो भी आप क्वेश्चन पूछते हैं. सो दिस इज पंकज गुप्ता फ्रॉम बिलासपुर एस अकेडमी, क्लोजिंग अप माई लेक्चर फॉर टुडे. थैंक यू ऑल.